तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान कुछ दिन पहले लाइसेंस वाली गन की एप्लीकेशन के लिए गए थे मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास कि भाई मुझे सिक्योरिटी के लिए गन चाहिए। और हमने कहा था कि सलमान खान को ये गन बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, और सलमान खान को ये गन आसानी से मिल भी गई है। बस जो प्रोसेस होता है उसी में टाइम लगा हफ्ते भर का, और सलमान खान को ये गन मिल गई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि .32 रिवॉल्वर या इस तरह की पिस्तौल सलमान खान अपने पास रख सकते हैं। वही जो नॉर्मली वो उस शेप वाली जो बच्चे दीपावली के टाइम पर बंदूकें रख के डिस्काउंट डिस्काउंट करते हैं, उसी तरह की है। तो ये मिल जाएगी। अब सलमान खान को जान का खतरा नहीं होगा, ऐसा सलमान खान का कहना है, क्योंकि गन मिल जाएगी तो सलमान खान अकेले ही अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। शायद उन्हें जो सिक्योरिटी गार्ड्स दिए गए हैं, बाउंसर्स दिए गए हैं, मुंबई पुलिस की सुरक्षा दी गई है, 8-10 लोगों को लेकर घूम रहे हैं, उन सभी के ऊपर सलमान खान अकेले ही भारी पड़ जाएंगे। और इसीलिए शायद ये गन की एप्लीकेशन दी थी और ये पूरी हो गई। तो बहुत बहुत बधाई है भाई कि मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें ये सिक्योरिटी दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई आम आदमी भी कल को अगर इस तरह की एप्लीकेशन दे मुंबई पुलिस में कि उसे उसकी जान का खतरा है, तो उसे भी इस तरह की बंदूक रखने की परमिशन दी जाए। क्योंकि सलमान खान की जान की अगर कीमत है तो एक आम इंसान के जान की भी कीमत होनी चाहिए। और अगर वो गन खरीदने की हिम्मत रखता है तो उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। वैसे पुराने पुराने समय क्या, अभी भी यूपी और बिहार में तो नॉर्मल बच्चों के गन में कट्टा वगैरह तो आ ही जाता है। तो यहाँ भी अगर मुंबई में भी कोई इस तरह की अपील करता है तो उसे मिलनी चाहिए सुरक्षा। या तो मुंबई पुलिस सुरक्षा दे, या तो फिर भाई उसे भी गन रखने की परमिशन दी जाए। क्योंकि सिर्फ सेलिब्रिटी को ही जान का खतरा है ऐसा नहीं है, आजकल तो आम इंसानों की जान को भी खतरा हो गया है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है। तो देखना यही होगा कि कल को कोई आम इंसान अगर इस तरह की एप्लीकेशन देता है तो क्या उसे वो मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल करने के बाद ही इस तरह की गन वाली चीज़ दी जाती है, क्योंकि अगर कल को कुछ गलत होगा तो इल्ज़ाम सलमान खान के ऊपर होगा। सलमान खान ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, और जो भी इंसान गन लेता है उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे कैसे करने वाला है। एक एक बुलेट की जानकारी देनी पड़ती है। तो अगर किसी को लगता है कि उसकी जान को खतरा है तो वो भी एप्लीकेशन जाकर दे सकता है।